नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आलू भुजिया की, जो कि बिहार और झारखंड में हर किसी की फेवरेट होती है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। आज तक मैंने किसी को भी नहीं सुना ये बोलते हुए कि मुझे आलू भुजिया पसंद नहीं है। ये रोटी, पराठा, पूरी, दाल, चावल, हर किसी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। हम लोग तो बचपन से इसे लंच बॉक्स में अपना फेवरेट डिश मानते थे। तो आइए इसे आज बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने मीडियम साइज के 8 से 9 आलू लिए हैं। इसे अच्छी तरह 2-3 बार धो लेंगे पहले, क्योंकि हम इसका छिलका नहीं उतारेंगे और छिलके के साथ ही हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। तो इस तरह से पहले हम पतले पतले स्लाइस करेंगे, करीब 1 सेंटीमीटर के आसपास का स्लाइस रखना है और फिर इसके स्ट्रिप्स काटेंगे, तो फिंगर चिप्स की तरह इसका शेप हो जाएगा। तो ये कटिंग आपको जैसे सुविधा हो वैसे काट सकते हैं। मैं ऐसे हाथ में रख के काटती हूँ, मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। चॉपिंग बोर्ड पर भी काट सकते हैं या जो फिंगर चिप्स काटने वाला आता है उससे भी काट सकते हैं। तो सारे आलू मैंने तैयार कर लिए यहाँ पर। अब इसे फिर से हमें धोना होगा, क्योंकि इसका स्टार्च निकालना है, वरना आलू फिर भूनने के टाइम में चिपक जाएगा। तो एक बार और अच्छे से धो लिया है और छन्नी में डाल लिया है। अब कढ़ाई मैंने जो यूज़ किया है, ये मोटी वाली कढ़ाई है अल्मोनियम की, जो पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है। इसमें 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, उसे अच्छी तरह गर्म करेंगे हाई फ्लेम पर, फिर फ्लेम को लो कर देंगे और तेल से कोट कर लिया है कढ़ाई को ताकि आलू चिपके नहीं। इसमें 1 चम्मच पंचफोरन और हरी मिर्च डालेंगे। जब तड़क जाए दोनों चीज़ें, तब कटी हुई आलू डालेंगे, मिक्स करेंगे और ढककर इसे कुक करेंगे। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है भुजिया, क्योंकि आलू पकने में टाइम नहीं लगता है, हमने पतले पतले काटे हैं। तो अभी हमने इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला है, सिर्फ आलू को तेल में फ्राई किया है। तो बीच बीच में ढक्कन हटाकर चलाना है और फिर ढक देना है। मीडियम फ्लेम पर हमें भूनना है इस टाइम में। इससे आलू थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगा और थोड़ा कुक भी हो जाएगा। तो 50% कुक होने के बाद ही इसमें हम नमक वगैरह डालेंगे। तो जब 50% कुक हो जाए, तब तक हमें ऐसे ही ढक्कन हटा हटा कर चलाना है और फिर ढक देना है। उसके बाद हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। बस इतने से भी ये भुजिया बन जाएगा, लेकिन मुझे इसमें लहसुन का पेस्ट डाला हुआ बहुत पसंद आता है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है भुजिया में, तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 छोटा चम्मच डाला है। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब हमें लो फ्लेम पर कुक करना है, क्योंकि आलू अच्छी तरह गलेगा। तो बीच बीच में चलाते रहना है और 2 से 3 मिनट के अंतराल पे एक बार उलट पलट कर दें, ताकि नीचे से जले नहीं। और चेक कर लेंगे, आलू जब पूरी तरह सॉफ्ट हो जाएगा तब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। बस ये लाजवाब सा आलू का भुजिया बनकर तैयार है। आप इसे किसी भी टाइम किसी भी चीज़ के साथ खाएं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये सिंपल सी हमारी झारखंड बिहार की खास आलू भुजिया की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।